एक बार एक परेशान और निराश व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में परेशानियों और तनाव के सिवाय कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे सही राह दिखाई। गुरु ने एक गिलास में पानी भरा और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर गुरु ने उस व्यक्ति से पानी पीने को कहा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। गुरु, इस पानी का स्वाद कैसा है? बहुत ही खराब, व्यक्ति ने कहा। फिर गुरु उस व्यक्ति को पास के तालाब में ले गए। गुरु ने उस तालाब में भी मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर उस व्यक्ति से कहा, इस तालाब का पानी पीकर बताओ कैसा है। उस व्यक्ति ने तालाब का पानी पिया और बोला, गुरु जी, यह तो बहुत मीठा है। गुरु ने कहा, बेटा, जीवन के दुख भी इस मुट्ठी भर नमक के ही समान है। जीवन में दुखों की मात्रा वही रहती है, ना ज्यादा ना कम, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों का कितना स्वाद लेते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच एवं ज्ञान को गिलास की तरह सीमित रखकर रोज खारा पानी पीते हैं या फिर तालाब की तरह बनकर मीठा पानी पीते हैं। एक मुट्ठी भर नमक एक गिलास में भरे मीठे पानी को खारा बना सकता है, लेकिन वही मुट्ठी भर नमक अगर तालाब या झील में डाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का स्तर ऊंचा है तो छोटी छोटी परेशानियों एवं समस्याओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट अ क्लास कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।